बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स द निवेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र ₹5 में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंडिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी बालाघाट। कॉन्टेक्ट डिटेल 9424969460@77002901। स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन गोंगले स्थित गोदाम में बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही फैलाई है। यहां पर रखे हजारों मीट्रिक टन गेहूं और चना में 4 फीट तक पानी भरने के कारण करीब 5 करोड़ का नुकसान कॉरपोरेशन को उठाना पड़ा है। इसके साथ ही गोदाम में रखे अनाज का रिकॉर्ड भी बाढ़ के पानी में भीग गया, जिससे अब कॉरपोरेशन के अधिकारियों के सामने रिकॉर्ड को मेंटेन करने की समस्या खड़ी हो गई है। कॉरपोरेशन के प्रबंधक पीवी पाटिल से इस विषय पर चर्चा की गई, जिन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ का गेहूं और 4 करोड़ का चना बाढ़ के पानी के कारण खराब हुआ है, जिसमें नमी आने के कारण अंकुरण के साथ अब सड़ने की भी बदबू आ रही है। चना जो है लगभग 3 करोड़ 95 लाख रुपए का 1256 गिला हुआ है, 1256। और चना है गेहूँ, ये ईयरली के देना है? नहीं, अभी जो बताया मैंने पहले, जो चने का है, चना है 3 करोड़ 95 लाख चना है। और गेहूँ है उसमें ब्लॉक्सी में है, वो उसमें लगभग 93 लाख 91 हजार रुपए का मतलब गिला हुआ है। वैनगंगा नदी में आई बाढ़ के चलते जिले के कई गांवों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। बारिश का पानी कम होने के बाद अब बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नगरवाड़ा, सकरी, सेमर टोला, देवसर्रा में भी बाढ़ के चलते 35 से अधिक मकानों को पूर्णकालिक और कुछ मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। पूर्व विधायक मधु भगत इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार दौरा कर प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही प्रभावितों के लिए दवा व अन्य जरूरी चीज़ों के लिए अपनी पेंशन की राशि भी दे रहे हैं। सोमवार को पूर्व विधायक मधु भगत ने नगरवाड़ा के करीब 18 क्षतिग्रस्त मकानों के साथ ही सकरी पंचायत के अंतर्गत सेमर टोला और देवसर्रा में 19 क्षतिग्रस्त मकानों के बासिंदों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने मगरदर्रा में वृद्धजनों की पीड़ा और उनकी परेशानियों को देखते हुए मेडिसिन के लिए नगद राशि भी प्रदान की। वहीं सेमर टोला और देवसर्रा में भी प्रभावित परिवारों के लोगों को 2000 की नगद राशि प्रदान कर उन्हें तत्काल मदद पहुँचाई। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के दौरे के समय मौके पर ही SDM KC बोपचे से दूरभाष पर चर्चा करते हुए लोगों को RBC प्रकरण के तहत सर्वे करते हुए अतिशीघ्र मुआवजा दिलाए जाने पर विचार करने की बात कही, जिससे कि जिन परिवारों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है या फिर आंशिक नुकसान उठाना पड़ा है उन्हें जल्द राहत मिल सके। आप लोग सामान निकाल नहीं पाए क्या? नहीं निकाल पाए, थोड़ा बहुत निकाल पाए, पेटी वेटिंग पर, बाकी पेटी तो दबाई हुए हैं। एक पेटी वो इधर ऊपर दबा हुआ ही है मेरी, मैंने सारा सामान दबा, पूरा सामान दबाई हुआ है, थोड़ा बहुत निकाल पाए। थोड़ा सा चावल निकाले, नहीं तो पूरा ही चावल गेहूँ धान जो भी था। प्रशासनिक अमले ने आपको सूचना नहीं दिया था कि बाढ़ तेजी से बढ़ रही है? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली, आपको सूचना नहीं, मोबाइल तो पंचायत को सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो ये हुआ कि तीन गड़ी सकरी पंचायत के अंतर्गत सेमर टोला, देवसर्रा, ये सभी आते हैं और यहाँ जो भीमगढ़ से जो डैम का पानी छोड़ा गया उसकी तबाही ने जो कोहराम मचाया है उसके चलते इस देवसर्रा के जो टोले के एरिए में इनके 8 मकान जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। ना इनके पास खाने की व्यवस्था है, ना इनके पास रहने की व्यवस्था है, ना इनको जानवर रखने की व्यवस्था है, ना इनके कपड़े लगते सुरक्षित रखते जी। मैं पूर्व विधायक होने के नाते मैं यहाँ जब पहुँचा अपनी जिम्मेदारी के साथ और निरंतर मैं 3 दिन से सभी ग्राम पंचायतों के दौरे कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे से जो बन पड़ सकता था, जो मेरी पेंशन आती है, तो मैंने कोशिश की जिनका मकान पूरा ढह गया उनको 1000 रुपये की राशि मैंने 8 लोगों को यहाँ दी है।
मैं मान के चलता हूँ कि प्रशासन इस ओर सख्त कदम उठाए, इनका मकान जैसा गिरा है वैसा मकान बना के दे, जो राशन गया राशन दे, कपड़े लत्ते दे, पूरी जैसी व्यवस्था इनकी पहले की थी उस व्यवस्था प्रशासन और शासन मिलकर के इस ग्राम देवसर्रा के सभी रहवासियों को व्यवस्थित करके दे, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आप लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ता रहूँगा। अगर इसमें सरपंच हो, जिला पंचायत, जनपद हो, या कलेक्टर साहब हो, या ऊपर सरकार हो, अगर किसी ने भी इसमें कोताही बरती है, इनको पूरे रूप से स्वतंत्र, इनको मजबूत बनाने के लिए, तो फिर मैं इनके साथ में लड़ाई इनकी बराबर लड़ूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करूँगा। बाढ़ त्रासदी के चलते जिले में किसानों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। ग्राम धपेरा मोगांव में 2000 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं गोंगलई में भी बाढ़ के चलते किसानों को सैकड़ों एकड़ में फसल बर्बादी का नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने आज धपेरा मोगांव में किसानों को हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया है। यहाँ पर उनके साथ कई किसानों ने बाढ़ के बाद फसलों को हुए बर्बादी का मुद्दा उठाने के लिए कंकर मुजारे से अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने 31 अगस्त 2020 को बालाघाट तहसील के ग्राम रोसना, मगरदर्रा, चांगोटोला एवं नगरवाड़ा का भ्रमण कर वैनगंगा नदी की बाढ़ से इन गांवों में हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को भी सुना। उनके साथ तहसीलदार रामबाबू देवांगन, जल संसाधन विभाग वैनगंगा संभाग के कार्यपालन यंत्री प्रदीप गांधी, सर्वेक्षण संभाग के कार्यपालन यंत्री आर.एम. कुरेशी एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनॉट लैब से 4 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 2 मरीज वारासिवनी के, 1 मरीज बैहर एवं 1 मरीज मोतीनगर बालाघाट का है। यह सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए हैं। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें आज 31 अगस्त को डिस्चार्ज भी किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 292 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 232 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 55 मरीजों का आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा है। लोगों की आवाजाही बालाघाट गोंगलई मार्ग पर शुरू हो चुकी है, लेकिन इस मार्ग पर लोगों को दुर्घटनाओं का भी शिकार होना पड़ रहा है। हमने कुछ वाहनों को देखने का प्रयास किया जो यहां पे स्लिप मार रहे थे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी सावधानी पूर्वक वाहन चला रहे हैं। हालांकि अभी तक यहां पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मार्ग पर जमी मिट्टी को हटाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाहन चालकों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं गोंगलई बालाघाट पहुंच मार्ग की है, जहां पर बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने के बाद में रोड के ऊपर जमी मिट्टी अब उभर कर सामने आई है। रोड अब दिखाई देने लगी है, रोड के ऊपर वाहन भी रेंगने लगे हैं, लेकिन जो मिट्टी की परत छोड़ के गई है बाढ़ और उसके निशा जो बाकी रह गए, उसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी कुछ तकलीफ़ों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं गोंगलई बालाघाट पहुँच मार्ग से।